जी। और दूसरी चीज लेफ्ट हैंड साइड पे लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में आपको बड़ी टीम चाहिए, तो बड़े लोगों, जब बड़ी टीम चाहिए तो कौन क्या करेगा, किस वक्त करेगा, उसकी प्लानिंग करनी जरूरी है। फॉर एग्जांपल ये वाला प्रोजेक्ट अगर 1 साल का है या 1.5 साल का है और 150 लोग काम कर रहे हैं, तो देर आर फ्यू थिंग्स। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट के सिस्टम के नीचे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, दीज आर टर्मिनोलॉजीज। बिजनेस नीड क्या चीज़ होती है, प्रोजेक्ट का स्कोप क्या चीज़ होती है, रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंट क्या चीज़ होती है, अभी ये टर्मिनोलॉजीज है बकायदा। तो जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो यू शुड नो दोज टर्मिनोलॉजीज, बिजनेस नीड, बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या चीज़ है। जैसे कहा ना कि वो चाहता क्या है, वो चाहता क्या है, जब ही तो बुलाया आपको, पैसे दे रहा है और टाइम दे रहा है, तो पता चल गया ना कि चाहता क्या है। तो व्हाट इज द बिजनेस नीड या व्हाट इज द प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं आप, फिर आप प्रोजेक्ट का स्कोप देखते हैं। प्रोजेक्ट स्कोप का मतलब है बाउंड्रीज, क्या होगा और क्या नहीं होगा। ये डिटेल रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बाउंड्रीज हैं। फॉर एग्जांपल मैं ईआरपी ले रहा हूँ तो ईआरपी में कौन कौन से मॉड्यूल होंगे। इसी तरह से हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम ले रहा हूँ तो मैंने अभी पिछली वाली स्लाइड में आपको कुछ मॉड्यूल दिखाए थे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं मॉड्यूल, लेकिन रिक्वायरमेंट है क्या। कस्टमर किस तरह का स्क्रीन चाहता है, किस तरह का रिपोर्टिंग चाहता है, किस तरह के मॉड्यूल चाहता है, वो एग्जैक्टली वो बताएगा। तो वो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट का एक डॉक्यूमेंट होता है। तो रिक्वायरमेंट लिखी कैसे जाती है, उसमें कौन सी मॉडलिंग यूज की जाती है, यूज केस कैसे बनाए जाते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे क्योंकि इसकी हमें जरूरत है, ठीक है। और फिर हम एक आर्किटेक्ट जबरदस्त बनाएंगे। क्यों अच्छा बनाएंगे, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है वो 4-5 लोगों ने, 10 लोगों ने यूज नहीं करना है, 500 या 1000 लोगों ने यूज करना है, तो उसकी परफॉर्मेंस खराब नहीं होनी चाहिए। जब आपने सॉफ्टवेयर बना के दिया था बैंक को तो 1 साल तो सही चला, लेकिन अगले साल उसकी परफॉर्मेंस खराब होना शुरू हो गई, बहुत स्लो होना शुरू हो गया। तो खाली डेटाबेस और फ्रंट एंड स्क्रीन इज नॉट इनफ, ठीक है। तो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज कैसे होगी, सॉफ्टवेयर स्केलेबल कैसे होगा, अब ये सारी चीजें हमें जरा सोचनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो जब आर्किटेक्ट बनाया जाता है तो यहाँ कुछ चीजें लिखी हुई हैं, लूजली कपल्ड एंड हाईली कोहेसिव। इसको लिख लीजिए और नेट पे सर्च कीजिएगा ये क्या चीज होती है। अब हम इसको जरा पढ़ेंगे, हम डेटाबेस नहीं पढ़ेंगे क्योंकि डेटाबेस का कोर्स आप किसी और कोर्स में पढ़ेंगे। कोडिंग हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आप किसी और कोर्स में पढ़ेंगे। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल शायद आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन कोई आप सी का या जावा का कोई प्रोग्राम सीखेंगे। तो फ्रंट एंड हम नहीं पढ़ेंगे, डेटाबेस नहीं पढ़ेंगे, लेकिन टेस्टिंग केस कैसे बनाए जाते हैं वो हम देखेंगे। टेस्ट केस होता क्या है, क्या चीज़ हम डालते हैं, वॉलेट वैलिड इनपुट क्या चीज़ होती है, इनवैलिड इनपुट क्या चीज़ होती है, कब टेस्ट पास होता है, कब टेस्ट फेल होता है, ठीक है ना। और फिर हम उठा के कस्टमर की साइड पर लगाते हैं। तो दैट्स अ वेरी लार्ज प्रोजेक्ट, रिस्की प्रोजेक्ट। इसको बनाने के लिए हमें थोड़ा सा कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या है, वो स्पेशलाइज रोल कौन से हैं, ठीक है। जैसे अगर आप क्रिकेट की बात करें तो हर आदमी ऑलराउंडर नहीं होता है, कुछ बॉलर होते हैं, कुछ बैट्समैन होते हैं, एक विकेट कीपर होता है। तो यहाँ पर भी ऐसे रोल हैं। रिक्वायरमेंट लेने वाला एक अलग रोल है, आर्किटेक्ट एक अलग रोल है, डेवलपमेंट टीम या कोडिंग या प्रोग्रामिंग के अलग रोल हैं, टेस्ट इंजीनियर्स बहुत सारे 1/3 वो अलग रोल हैं, सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस के अलग रोल हैं। तो बहुत सारे रोल हैं, वो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर ऐसे ही बनेगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, प्रॉब्ली दिस इज द लास्ट स्लाइड, ठीक है। ये भी हम इंट्रोडक्शन कर रहे थे, यहाँ तक क्लियर है। अब हम थोड़ा सा कोर्स की तरफ जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक, कोई सवाल किसी को, एनीथिंग डज नॉट मेक सेंस, समझ में आ रही है अभी तक सर की बात या आ रही है, ठीक है। चलिए चलिए, तो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन। तो ये यानी हम इसको मैं क्लोज करके दूसरा, लेट मी स्टार्ट द फर्स्ट। जस्ट गिव मी
ठीक है, तो अभी हम इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं कि हमें क्यों पढ़नी चाहिए और होती क्या है. ठीक है, तो हम थोड़ा सा ये पढ़ते हैं. तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है क्या? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज इंजीनियरिंग अप्रोच टू डेवलप सॉफ्टवेयर. अभी इंजीनियरिंग अप्रोच होती क्या है हम ज़रा समझने की कोशिश करते हैं. एंड वॉट इज़ नॉन इंजीनियरिंग्स. ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग की एग्जाम्पल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की एग्जाम्पल इसलिए दी गई है कि सॉफ्टवेयर इज ए इनटेंजिबल प्रोडक्ट. उसको तोल नहीं सकते, उसको नाप नहीं सकते, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को, उसके साइज को. ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ एक दीवार खड़ी करनी है तो दीवार में ब्रिक्स लगेंगी, सीमेंट लगेगा और एक मिस्त्री दीवार को बना देगा. ठीक है, बिकॉज कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है. ठीक है ना, कोई उसमें इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, तो छोटा सा सॉफ्टवेयर अगर आपको बनाना है 100-200 लाइनों का तो आप फटाफट बना देंगे. लेकिन अगर एक 50 मंजिला बिल्डिंग बनानी है जिसमें बहुत सारे ख़ानदान रहेंगे, 50 मंजिला है और हर एक पे 100-100 10-10 घर हैं, तो 500 ख़ानदान रहेंगे. तो 500 ख़ानदान के लिए बिजली, पानी और सिक्योरिटी और ये सारी चीज़ें हैं. ठीक है, तो इसमें 50 मंजिला बिल्डिंग बनाने के लिए डेप्थ कितनी चाहिए और स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, प्लम्बिंग कैसी होनी चाहिए, बिजली का कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं जो बनाने से पहले आपको सोच लेनी चाहिए, प्लान कर लेनी चाहिए. तो इसी तरह से अगर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है तो आपको मालूम होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर अगर चेंज करना पड़ा, मॉडिफाई करना पड़ा, बनाने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर ऑब्सोलीट कब हो जाता है. तो सॉफ्टवेयर की ऑब्सोलेंस बहुत जल्दी आ जाती है, तो कैसे उसको मॉडिफाई करेंगे, कैसे उसको चेंज करेंगे. तो सॉफ्टवेयर ऐसा बनाएं जिसकी मेंटेनेंस आसान हो, उसके अंदर कोडिंग कन्वेंशन, नेमिंग कन्वेंशन होने ज़रूरी है. फिर कस्टमर की रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो बिजनेस का एक्सपर्ट है तो बिजनेस का एक्सपर्ट हमें भी चाहिए होगा जो हम रिक्वायरमेंट को समझे और हमें समझाए. दरमियान में एक आदमी जिसको बिजनेस एनालिसिस कहते हैं या रिक्वायरमेंट इंजीनियर कहते हैं. ठीक है, तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग हम 7th सेमेस्टर में पढ़ेंगे, लेकिन वो बहरहाल एक काम है ना, वो एक अलग काम है, स्पेशलाइज रोल है. तो इंजीनियरिंग अप्रोच क्या होती है? इंजीनियरिंग अप्रोच होती है कि जब आपको कोई प्रॉब्लम बताया जाए, एक टिपिकल इंजीनियरिंग अप्रोच, अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर एक अलग वर्ड है, इंजीनियरिंग एक अलग वर्ड है. तो कोई भी इंजीनियरिंग, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो सिविल हो, कोई भी हो, इंजीनियरिंग अप्रोच ये है कि जब भी आपको प्रॉब्लम बताया जाए तो आप प्रॉब्लम को एनालाइज करें, उसकी रिक्वायरमेंट को समझें, ये पूरा प्रोसेस है. उसके बाद फिर आप डिज़ाइन करें जो भी सोल्यूशन है, सोल्यूशन को डिज़ाइन करें और सोल्यूशन को कंस्ट्रक्ट करें, तो मसला हल हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड टिपिकल इंजीनियरिंग अप्रोच. यानी सोल्यूशन, पहले तो मसला सोचें, समझें, उसको गौर करें, एनालाइज करें, रूट कॉज करें. हम ये पढ़ेंगे. बताने का मकसद ये है कि ये सारे सवालात आपके जहन में आने चाहिए आज के लेक्चर से, कल के लेक्चर से. यू शुड हैव क्वेश्चंस इन योर माइंड कि क्या इतना आसान है जितना हम समझते हैं, या पूरी इंजीनियरिंग है. तो पूरी इंजीनियरिंग है, यानी सॉफ्टवेयर, बड़ा सॉफ्टवेयर, कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर, इंटेंजिबल सॉफ्टवेयर कैसे अच्छा बनेगा, गलती के चांस कब कम हो जाएंगे जब हमें ये थ्योरी आती होगी. तो वो कौन सी थ्योरी है जो हम पढ़ के एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर बना पाएंगे. ठीक है, तो आज हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों पढ़नी चाहिए. तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाने में दो दोस्त बना देंगे, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए, कोई इंजीनियरिंग नहीं चाहिए. लेकिन लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर शायद दो दोस्त नहीं बना पाएंगे. उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट इंजीनियर चाहिए, उसके लिए हमें आर्किटेक्ट चाहिए, उसके लिए हमारी कोडिंग के अलावा टेस्ट इंजीनियर्स चाहिए, और उसका प्रोसेस होना चाहिए. ये काम ख़त्म होगा तो मैं काम शुरू करूँगा, ये वाला काम ख़त्म होगा तो मैं काम, प्रोसेस चाहिए, स्पेशलाइज रोल चाहिए, नॉलेज चाहिए, एक्सपीरियंस के अलावा नॉलेज चाहिए. यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन नहीं है सबको? सब मेरे साथ हैं? एनी क्वेश्चन सो फार? ठीक है भाई, क्योंकि आप मेरे सामने नहीं है इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, समझ में आ रही है, कोई चीज मुश्किल तो नहीं लग रही, एनीथिंग डज नॉट मेक सेंस? ठीक है, समझ में आ रही है. चलिए,
थैंक यू। ठीक है तो हम जरा आगे चलते हैं। ठीक है, ये वही वाली बात है जो अभी पिछली स्लाइड में लिखी है कि अगर आपसे छोटा सा कोड लिखने को कहा जाता है जो आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में या कोई लैंग्वेज पढ़ाई जाए तो एक असाइनमेंट दिया जाएगा, तो वो 100-216 लाइन का इफ देप लूप लगा के और सारा फोकस जो आपका कंप्यूटेशन पे है, ठीक है ना, अभी लार्ज एंड बिग प्रोग्राम पे नहीं है। लेकिन अभी हमने देखा कि अभी थोड़ा सा आपने देखा होगा इसमें 5-6 मॉड्यूल थे ना, इन पेशेंट आउट पेशेंट और ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो अगर इसमें 5-6 मॉड्यूल हैं और हजारों लाइन का कोड है और कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है और ऑल मॉड्यूल्स आर कनेक्टेड, जब आप आगा खान में जाएंगे तो और मॉड्यूल्स आर कनेक्टेड, ठीक है ना, कंसल्टेंट का, बिलिंग का, ये सारे कनेक्टेड होंगे, तो इसका मतलब है पहली चीज हॉस्पिटल का प्रोसेस पता होना चाहिए, फिर उस हॉस्पिटल उस स्पेसिफिक हॉस्पिटल का प्रोसेस पता होना चाहिए, फिर जो जो मॉड्यूल्स हैं उसकी नॉलेज मुझे होनी चाहिए, फिर वो मॉड्यूल में लिख के फिर कस्टमर से वेरीफाई कराऊंगा कि जनाब यही चाहिए ना आपको। ये एक प्रोसेस है जो स्पेसिफिकेशंस कहलाती है कि बनाना क्या है, डिटेल रिक्वायरमेंट लेनी पड़ेगी, लोगों से मिलना पड़ेगा, तो वो लोग जो रिक्वायरमेंट देना चाहते हैं उनसे भी मिलूंगा और वो लोग जो रिक्वायरमेंट नहीं देना चाहते या देना चाहते हैं लेकिन उनकी बिजनेस की नॉलेज अच्छी नहीं है या बता नहीं पाते उनसे भी लेनी है। डिफरेंट किस्म के लोग होंगे ना, कुछ लोग होंगे जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, कुछ लोग होंगे जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी, ठीक है, तो ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी है। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल सिस्टम बनाने में डोमेन की नॉलेज, डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, फिर डेवलपमेंट, फिर टेस्टिंग, तो लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यानी वो इंजीनियरिंग जिससे अच्छा सॉफ्टवेयर बने, गलती का चांस कम हो, क्वालिटी सॉफ्टवेयर हो, वो हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी एक मिसाल है आपको कि इन पेशेंट आउट पेशेंट ये हजारों लाइन के एक एक मॉड्यूल है, ये सारे मॉड्यूल आपस में इंटर रिलेटेड हैं, कनेक्टेड हैं, तो कौन सी फील्ड किससे कनेक्ट होगी, कौन सी फील्ड किससे नहीं होगी, ठीक है, तो आपकी प्रोग्रामिंग की नॉलेज और RDBMS की नॉलेज इज नॉट एनफ, ठीक है, तो अगर बड़ा सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो जैसे बिल्डिंग क्रैश करती है तो हो सकता है सॉफ्टवेयर भी क्रैश कर जाए, और अच्छा ये बनाया था, अच्छा ये चीज़ डाली थी, अच्छा ये चीज़ नहीं डाली थी, ये फीचर डाल दिया है या नहीं डाल दिया है, डाल दिया है तो टेस्ट हो गया है नहीं हो गया है, इसका आर्किटेक्ट सही बना हुआ, ये सारी चीज़ें हैं जो शायद अगर आपने एक तरीक़ेकार से नहीं बनाई, एक मेथडोलॉजी से नहीं बनाई तो देर इज़ अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि कोई चीज़ मिस हो जाएगी, There's a great possibility कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट फिल्टर हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, उसने 10 चीजें बताई थी, आपने 8 चीजें तो डाल दी हैं, 2 चीजें आपको याद नहीं रही होंगी, दिस इज ह्यूमन, ठीक है, सर बताई तो थी क्योंकि हमने लिखा नहीं था तो सर वो भूल गए, अब बना देते हैं, तो दोस्तों में तो ठीक है लेकिन बैंक ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप भूल गए थे, तो इसका मतलब डॉक्यूमेंट नहीं बनाया था, तो देर हैज टू बी अ बेसिक रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंट बने, साइन ऑफ हो और कोई चीज भूले नहीं, ठीक है, अम्मी ने कोई सौदा मंगाया था आप भूल जाएं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप ऑफिस में काम करते हैं और आपको असाइनमेंट दिया गया है उसमें आप भूल नहीं सकते, ठीक है ना, उसमें आप भूल नहीं सकते बिकॉज यू आर डूइंग ए प्रोफेशनल वर्क, ठीक है, क्लियर है भाई यहाँ तक। हम ये पढ़ रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों पढ़ेंगे, तो हम ये सिर्फ देख रहे हैं कि जनाब इसलिए पढ़ेंगे कि लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम में आप भूल नहीं सकते, आप गलती नहीं कर सकते, आपको पता होना चाहिए आप क्या करें, तो यू हैव टू बी वेरी स्पेशलाइज्ड इन योर रोल, ठीक है, तो नॉट ओनली प्रोग्रामिंग, लेकिन अगर आपको 2 साल का प्रोग्रामिंग नहीं है उस सॉफ्टवेयर हाउस, पहले आप किसी और सॉफ्टवेयर हाउस में थे तो किसी और तरह से प्रोग्रामिंग करते थे, अब यहाँ सॉफ्टवेयर हाउस में आएंगे प्रोग्रामिंग ही कर रहे हैं, कोडिंग ही कर रहे हैं, लेकिन इनका प्रोसेस मुख्तलिफ है, तो इनका प्रोसेस मुख्तलिफ क्यों है वो आपको सीखना पड़ेगा, उसी तरह से काम करना पड़ेगा बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ द टीम। ये क्लियर हो रही है बात? चलिए गिव मी फ्यू मिनट्स, मैं जरा पानी पी लूँ, मेरे गले में दर्द शुरू हो गया, तो जस्ट होल्ड ऑन, मैं आपकी वीडियो रोक लेता हूँ, गिव मी फ्यू मिनट्स, मैं पॉज कर रहा हूँ इसको, फिर हम कंटिन्यू करते हैं इसको, ठीक है, रिकॉर्डिंग। तो अभी तक कोई सवाल अभी तक कोई चीज़
चलिए तो व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हम एक डेफिनेशन पढ़ेंगे उसको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ कुछ चीज़ों को जब भी कोई लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसके लिए कुछ टूल्स सीखेंगे, कुछ टेक्निक सीखेंगे। मसलन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट कैसे ली जाती है, उसकी एक टेक्निक है, एक से ज़्यादा टेक्निक है, हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे हमारे पास कौन सा प्रोजेक्ट है और हमें कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी है। तो प्रॉब्ली दिस इज ऑल थ्योरी। रिक्वायरमेंट जाके मैं मीटिंग भी कर सकता हूँ, रिक्वायरमेंट ग्रुप में भी कर सकता हूँ, रिक्वायरमेंट क्वेश्चनायर से भी कर सकता हूँ, बट देट विल डिपेंड ऑन द प्रोजेक्ट साइज। ठीक है, मैं कहाँ बैठा हूँ और किधर जा रहा हूँ, तो हम ये टेक्निक्स पढ़ेंगे और आपको ऐसे लगेगा ये थ्योरी है। थ्योरी तो खैर है, लेकिन बाहर जब आप जाएंगे तो आपको पता होगा, तो आपको मालूम होगा कि मैं इसमें इंटरव्यू कर लूँ, मैं इसमें ये वाली टेक्निक यूज कर लूँ। तो पहली चीज़ है टेक्निक, फिर है मेथडोलॉजीज। मेथडोलॉजी क्या है, पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या होगा। मसलन अगर आपने सॉफ्टवेयर बनाना है तो देर इज अ डिफाइंड मेथडोलॉजी, जिसको हम ट्रेडिशनल मेथडोलॉजी कहते हैं, हम तफसील से पढ़ेंगे। उसका नाम है वाटरफॉल। पहले रिक्वायरमेंट लेंगे, फिर हम डिज़ाइन करेंगे, फिर कोडिंग करेंगे और फिर टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग कोडिंग से पहले नहीं हो सकती, कोडिंग रिक्वायरमेंट से पहले नहीं हो सकती। तो दिस इज डिफाइंड मेथडोलॉजी। ठीक है, इसके अलावा भी कोई मेथडोलॉजी है, इसके अलावा भी कोई मेथडोलॉजी है, स्क्रम है, एजाइल है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। हम दोनों मेथडोलॉजी पढ़ेंगे, लेकिन हम ये देखेंगे कि प्रोजेक्ट का साइज देखा था ना अभी आपने, एक प्रोजेक्ट साइज लेस कॉम्प्लेक्स है, उसका करने का स्टाइल कुछ और होगा, लेकिन एक लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है तो उसका करने का स्टाइल कुछ और होगा। ये वही बात है, क्या कह रहा है, दो कमरे का मकान बनाना है तो उसकी कंस्ट्रक्शन किसी और तरह से होगी, लेकिन 50 मंजिला बिल्डिंग बनानी है तो उसकी कंस्ट्रक्शन, उसका आर्किटेक्ट, उसकी डिज़ाइन किसी और तरह से होगी। उसके लिए इंजीनियरिंग मैंडेटरी है, उसके लिए इंजीनियरिंग बहुत ज़रूरी है। तो टेक्निक्स हो गई, मेथडोलॉजीज हो गई। गाइडलाइन क्या होती हैं कि आपको बताया जाता है कि जो सॉफ्टवेयर तो पिछले 40-50 साल से बन रहे हैं, तो ऐसे कौन सी मेथडोलॉजी है जिनसे गलती हो सकती है, तो डोंट यूज दोज, और कौन सी मेथडोलॉजी हैं या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिनसे गलती के चांस कम हो जाते हैं, तो प्रेफरेबली उन्हीं मेथडोलॉजी को यूज करिए। ठीक है, तो गाइडलाइंस क्या होती हैं कि लोगों की सक्सेस देखने के बाद लोग जिससे अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं वो वाली गाइडलाइंस आपको दी जाती है। ठीक है, तो आप में से किसी ने सिक्स सिग्मा का नाम सुना हुआ है? सिक्स सिग्मा क्या चीज होती है? Anybody who heard of it? Six Sigma, S-I-S-6-S-I-G-M-A, Sigma. Anybody heard of Six Sigma? किसी ने सुना है? सुना है या नहीं सुना है भाई? No, नहीं सुन, नहीं सुना, तो इसको लिख लीजिए कॉपी पेंसिल पे Six Sigma, और इसको नेट पे सर्च करेंगे। फिर जब हम प्रोसेस की बात करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि Six Sigma क्या चीज होती है। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, ताकि आपको मसला ना हो। सिक्स सिग्मा फिर मैं मिटा दूंगा। सिक्स सिग्मा ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस मैच्योरिटी है, ये जैपनीज स्टाइल ऑफ प्रोसेसेस है। इसमें मैच्योरिटी होती है, येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट होता है, फिर ऑरेंज बेल्ट होता है, फिर ब्लैक बेल्ट होता है। तो सिग्मा का मतलब है 1000 और सिक्स का मतलब है 6। और अगर आप कोई चीज़ बनाते हैं तो इतनी मेच्योर प्रोसेस होता है कि गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। अभी गलती के चांसेस कम क्यों हो जाते हैं अभी हम पढ़ेंगे। गलती होगी तो उसको सही करें, सही करने का टाइम और कॉस्ट है, तो वो टाइम और कॉस्ट कौन देगा? अगर आपने सॉफ्टवेयर बनाया और उसमें गलती हो गई तो आप ही सही करेंगे ना, तो आपकी एफर्ट लगनी है, आपकी एफर्ट का कस्टमर तो नहीं पे करेगा। इसका मतलब है आपका प्रोसेस एफिशिएंट नहीं है। तो व्हाट इज एन एफिशिएंट प्रोसेस, व्हाट इज एन मैच्योर प्रोसेस, ये सब हम पढ़ेंगे, और ये थ्योरी है। लेकिन ट्राई अंडरस्टैंड के मिसाल देने के लिए समझा रहा हूँ। अम्मी जब भी बिरयानी बनाती हैं तो अच्छी बनाती हैं। अब आप कहेंगे एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस तो है लेकिन उनका प्रोसेस भी है। तो लेकिन बहन बनाती है या आप बनाते हैं तो कभी अच्छी बनती है, कभी ख़राब बनती है। तो जब ख़राब बनती है तो कोई खाएगा तो नहीं ना, फिर उसको फेंकनी ही पड़ेगी, और दैट इज़ एन एडिशनल कॉस्ट। ठीक है, ये ऐसा हो गया, इसमें फलानी चीज़ ज़्यादा हो गई, कोई खा ही नहीं सकता, आप खाएंगे कैसे? तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि अगर सॉफ्टवेयर बना रहा है कोई इनएक्सपीरियंस आदमी
तो देर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि वो गलत हो जाए, उसमें मिस्टेक आ जाए, उसमें एरर आ जाए। तब उसको फेंक तो नहीं सकते, उसको क्या करेंगे, उसको सही करेंगे। तो सही करने की एक कॉस्ट है। तो अच्छा सॉफ्टवेयर गलती के बगैर सॉफ्टवेयर कैसे बनता है ये हम सीखेंगे, ठीक है। तो देर आर गुड प्रैक्टिसेस, गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस, टूल्स एंड टेक्निक्स, ठीक है। अब ये थोड़ी सा हिस्टोरिकली क्या होता था कि जब छोटी सी टीम होती थी तो सारे काम खुद करने पड़ते थे, ठीक है ना, ये भी आपने करना है, ये भी आपने करना है, ये भी आपने करना है। लेकिन अब छोटी छोटी टीम नहीं होती, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स टीम होती है, 1,000 लोग होते हैं सॉफ्टवेयर हाउसेज में। पहले तो 4-5 लोग होते थे, 12-15, अभी भी सॉफ्टवेयर हाउस में 15-20 लोग हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल काम करने पड़ते हैं। लेकिन अगर मैं सिस्टम्स लिमिटेड की बात करूँ जहाँ 1,500 लोग काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है स्पेशलाइज रोल है, ठीक है ना। रिक्वायरमेंट वाला डेवलपमेंट नहीं करेगा, डेवलपमेंट वाला टेस्टिंग नहीं करेगा, ठीक है ठीक है। इसी तरह सॉफ्टवेयर बनाने वाला और मेंटेन करने वाली अलग टीम होगी। तो फॉर अ रीजन जब बड़ी टीम होती है तो स्पेशलाइज रोल होते हैं, ठीक है ठीक है। तो जब प्रोफेशनल टीम होती है तो फिर हर काम हर आदमी नहीं करता है, अलग अलग काम अलग अलग आदमी करता है, प्रोसेस अलग होते हैं, ठीक है। सो व्हेन अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, तो बड़ी टीम होगी, स्पेशलाइज रोल होंगे, सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना पड़ेगा, बिल्ड रिलीज होगी। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो भी आपको शायद अजीब सी लग रही हैं या अभी आपने पहली दफा सुनी है। मेंटेनेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर, टेस्टिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर, बिल्ड रिलीज ऑफ द सॉफ्टवेयर या गो लाइव, अभी इसमें वर्ड नहीं आया गो लाइव। ये सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जो प्रोफेशनल इंडस्ट्री में या आईटी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होंगी, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस से क्या समझ में आता है, गाड़ी की मेंटेनेंस तो सही है, ऑयल पानी चेंज हो रहा है, डेंट हो गया था, सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस से क्या समझ में आ रहा है, कोई बताएगा सर को सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस से भाई क्या समझ में आ रहा है। हमारे पास 10 मिनट रह गए, इसके बाद ही आपको निकाल देगा तो अच्छा है। मैं फिर आज थोड़ा सा रिड्यूस वो रखते हैं, मेरे सर गले में भी दर्द है, तो 10 मिनट बाद हम इसको सेकंड अटेंडेंस में आपकी जो लगी हुई है वो लगा दूंगा। चलिए कोई बताएगा सॉफ्टवेयर को, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्या चीज होती है, कोई बता तो रहा है। अपडेट करना, अभी अपडेट करने का मतलब क्या चीज है भाई, अपडेट करने का सर अगर कोई बग्स वगैरह डिस्कवर हो तो उसको फिक्स वगैरह करना, उसको मेंटेन करना। हाँ, बग फिक्सिंग तो ठीक है, बग फिक्सिंग एक पार्ट है मेंटेनेंस की, लेकिन वो एक्चुअली मेंटेनेंस नहीं है। बग फिक्सिंग का मतलब आपने चीजें सही नहीं बनाई थी, मेंटेनेंस का और भी काम है। क्या ज़हन में आता है, देखिए मेंटेनेंस तीन तरह की है। जी बोलिए बोलिए, गो अहेड सर। शायद न्यू फीचर्स ऐड करने। हाँ, न्यू फीचर ऐड करना, उसको एनहांसमेंट कहते हैं। लेकिन न्यू फीचर्स क्यों ऐड करने होंगे, न्यू फीचर्स इसलिए ऐड करने होंगे जब आप सॉफ्टवेयर बना के चलाना शुरू करते हैं तो फिर बिजनेस की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। बिजनेस कहता है इसमें ऐसे नहीं हो सकता, इसमें ऐसे नहीं हो सकता, आप कहते हैं हाँ हो तो सकता है। तो अगर आपका आर्किटेक्ट इस तरह का नहीं है कि वो मेजर चेंज करे, जैसे आपने 2 कमरे का मकान बनाया था, तो क्या 2 कमरे के मकान पे 6 मंजिला इमारत बना सकते हैं? अगर आपने स्ट्रक्चर नहीं बनाया तो नहीं बना सकते, तोड़ के बनाना पड़ेगा। तो सॉफ्टवेयर में भी ऐसा ही है, अगर आपका आर्किटेक्ट ऐसा नहीं था तो आप कहते नहीं ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर, ये हमने इस तरह का आर्किटेक्ट नहीं बनाया था, हमने तो बस ऐसे ही बनाया था। तो आर्किटेक्ट ऐसे नहीं था, क्लासेस वैसे नहीं थी, और वो प्रोसीजर ऐसे नहीं थे, इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, डेटाबेस हमारा डिजाइन ही नहीं है ऐसे। तो वो सॉफ्टवेयर मेंटेन नहीं हो सकता है, सॉफ्टवेयर में एनहांसमेंट नहीं हो सकती है। इसका मतलब है सॉफ्टवेयर बनाया ही सह जाए। तो ये हमें देखना होगा कि सॉफ्टवेयर में एनहांसमेंट क्यों चाहिए और हमें क्या कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो शायद हमें बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो हम जरा देखेंगे कि लार्ज टीम को कैसे हैंडल किया जाता है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कैसे होती है, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्यों और कैसे होगी, तो कोडिंग कन्वेंशन क्या चीज होती है। अब सॉफ्टवेयर में अगर आपने 40 स्क्रीन, एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है उसमें 40 स्क्रीन है, और कस्टमर कहता है इसमें चेंज कर दो, और मेरे पास तो 1,000 लाइन है, मैं ढूंढूंगा कैसे ये वाली रिपोर्ट और ये वाला स्क्रीन, कोई
तरीकाकार है, अगर कोई तरीकाकार है तो मैं जल्दी से ढूंढ लूंगा, अगर तरीकाकार नहीं है तो मैं ढूंढता रहूंगा ढूंढता रहूंगा ढूंढता रहूंगा। तो इसका मतलब है सॉफ्टवेयर इज नॉट मेंटेनेबल, ठीक है। तो इसका मतलब है सॉफ्टवेयर के अंदर कमेंट होने चाहिए, इसका मतलब है सॉफ्टवेयर के अंदर लॉजिक, अभी सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरह से टेस्टिंग, तो टेस्टिंग में फंक्शनैलिटी टेस्टिंग क्या चीज होती है, ब्लैक बॉक्स व्हाइट बॉक्स क्या चीज होती है, ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम इंडस्ट्री में जाएं तो लोगों से बात कर सकें ब्लैक बॉक्स क्या होती है, फंक्शनैलिटी टेस्टिंग कैसे होती है, ये सब कैसे होता है, ठीक है। ताकि हम जब इंडस्ट्री में जाएं तो ऐसा ना हो कि हमें पता ही ना हो कि टेस्टिंग कैसे होती है, टेस्टिंग की टाइप क्या चीज़ है, ठीक है। इस तरह से बिल्ड रिलीज ये एक क्यूए की टीम करती है, तो क्यूए की टीम का क्या काम है, ठीक है, और क्यूए की टीम क्या चेक करती है, और क्यूए की टीम और टेस्टिंग टीम में क्या फर्क है, है किसी को आइडिया? QA की टीम या SQA की टीम में और टेस्टिंग टीम में क्या फर्क है? Anybody? चलिए चलिए, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। द पॉइंट इज कि ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें थ्योरी नहीं है, थ्योरी नहीं है, ये पढ़ेंगे और जाके इस्तेमाल करेंगे, और जितनी अच्छी तरह से कॉम्प्रीहेंड कर पाएंगे तो नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ पाएंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स अगर आपने अच्छी तरह से नहीं पढ़ा तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, अगर ये कोर्स अच्छी तरह से नहीं पढ़ा तो आर्किटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, अगर ये नहीं अच्छी तरह से पढ़ा तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सारी चीजें ये बेसिक्स है, उसके अलावा फिर आपको इसकी डिटेल में डेप्थ में जाना पड़ेगा जब आप छठे सातवें आठवें सेमेस्टर में जाएंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आप ये देख रहे हैं अलग अलग टीम है, ठीक है ना। तो देर आर सर्टेन टर्मिनोलॉजीज, यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट क्या चीज होती है भाई? अब जो आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो एक काम है रिक्वायरमेंट लेना, तो रिक्वायरमेंट लेने का एक पूरा प्रोसेस है। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कैसे रिक्वायरमेंट ली जाती है, उसका प्रोसेस क्या है, वट इज ए मेच्योर प्रोसेस। उस प्रोसेस का एक आउटपुट है, यानी उस प्रोसेस को खत्म करेंगे तो एक डॉक्यूमेंट बनेगा रिक्वायरमेंट का। उस डॉक्यूमेंट का क्या नाम होता है, वो कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे, क्योंकि जब हम सीख लेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कम हो जाएगा, ठीक है। अभी हमें रिक्वायरमेंट लिखना नहीं आती है, हमें प्रोसेस नहीं पता, लेकिन ऐसे लोग जो 20 साल से रिक्वायरमेंट ले रहे हैं तब देखेंगे वो रिक्वायरमेंट अच्छी तरह से कैसे लेते हैं, वो हम सीख लेंगे। तो यहाँ डिटेल तो नहीं पढ़ेंगे, वो 7 सेमेस्टर में पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ उसका थोड़ा सा ब्रीफ ले लेंगे, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट जब लेते हैं तो हम कहते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन या SRS। तो SRS एक आर्टिफैक्ट है, प्रोसेस का आउटपुट इज एन आर्टिफैक्ट, ठीक है। इंडस्ट्री में जाएंगे तो उसको SRS भी कहते हैं, इंडस्ट्री में उसको BRD भी कहते हैं, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, वही की चीज है, लेकिन बैंक्स वैंक्स में उसको SRS नहीं कहेंगे, BRD कहेंगे, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजीज है जो हमें मालूम होना चाहिए। फिर आपकी लार्ज टीम होती है तो मेंटेनेंस वाली टीम अलग होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम अलग होती है। डेवलपमेंट की टीम बड़ी होती है, 50 लोग हैं तो मेंटेनेंस वाली टीम में बहुत थोड़े से लोग होते हैं, ठीक है। इसी तरह से टेस्टिंग की एक अलग मेथडोलॉजी है तो टेस्टिंग के लोग अलग हैं, और रूल ऑफ थम ये है कि अगर आपके पास 100 लोग हैं डेवलपमेंट के तो कम अज कम 1/3 30 लोग टेस्टिंग के होने चाहिए, और टेस्टिंग भी एक अच्छा काम है। फिर वो सारा जो सॉफ्टवेयर बनाया है, सारे सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के बाद इंटीग्रेट करना, जोड़ना और एक बिल्ड बनाना, ठीक है ना, ये सारे एक काम है। तो ये अलग अलग काम है जो हमें नहीं पढ़े, लेकिन बाद में जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो ये सारी एक्सपेक्टेशन आपसे है, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है कि बड़ी टीमें होती हैं जब आप किसी बड़े सॉफ्टवेयर हाउस में जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल सिस्टम्स लिमिटेड में, ठीक है। तो थ्योरी भी पढ़ें, और एक मशवरा ये भी है कि जिन लोगों की दोस्ती है रिश्तेदारी है किसी सॉफ्टवेयर हाउस में, कजन है भाई है कोई रिश्तेदार है, तो गो एंड आस्क, तुम लोग कैसे सॉफ्टवेयर बनाते हो, तुम लोग क्या करते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तुम ये पढ़ रहे हैं, तो वो बताएंगे हाँ ये सही है या बताएंगे सही नहीं है, ठीक है। तो कनेक्ट विद द इंडस्ट्री, वहाँ कैसे बन रहा है और हम वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, हम ऐसा तो नहीं है कि 30 साल पुरानी चीज़ें पढ़ रहे हैं,
ठीक है, क्योंकि आपने तो 3 साल बाद इंडस्ट्री में चले जाना है, तो इंडस्ट्री में जो आप पढ़ रहे हैं वही हो रहा हो, अगर वो नहीं पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है आप कुछ पुरानी चीजें पढ़ रहे हैं, ऑब्सोलीट चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्री से कनेक्ट होना भी जरूरी है, वहाँ कोई जाना भी जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है लोगों को, आगे चलते हैं, ठीक है। तो दीज आर सेपरेट टीम्स, अभी सेपरेट टीम क्यों होनी चाहिए हम जरा देखेंगे, कोई वजह होगी कोई, ठीक है। तो अभी यहाँ सवाल जहन में आने चाहिए, सर ये लार्ज टीम क्या करती है, सर ये क्या चीज करती है, ठीक है। तो बाकी जो हम लेक्चर पढ़ेंगे उससे हमारे क्वेश्चंस को आंसर होना चाहिए। अभी एक डेफिनेशन है, इसको पढ़ के हम आज खत्म कर लेंगे, सर के गले में दर्द हो रहा है। ये डेफिनेशन पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब है। ये IEEE की डेफिनेशन है। IEEE कहता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज ए सिस्टमैटिक डिसिप्लिन्ड क्वांटिफायबल अप्रोच। तभी नीचे नहीं जाते हैं, अभी सिस्टमैटिक डिसिप्लिन एंड क्वांटिफायबल को समझते हैं। ये अंग्रेजी के वर्ड है लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इसका क्या मतलब है, सिस्टमैटिक का क्या मतलब है। सिस्टमैटिक का ये मतलब है कि डिफाइन स्टेप्स हैं, पहला स्टेप ये होगा, दूसरा स्टेप ये होगा, ठीक है। अपनी मर्जी से नहीं है कि कोई भी कैसे काम करे, ठीक है। जैसे किसी भी गेम के रूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फुटबॉल के मैच में एक गोलकीपर होता है, तो आपको मालूम है कि गोलकीपर कहाँ खड़ा होगा और क्या करेगा। ऐसा नहीं है कि वो बोले मेरा आज दिल चाह रहा है गोल मारने का तो मैं आज ही जाता हूँ। तो देर हैज टू बी अ सिस्टमैटिक रोल, देर हैज टू बी अ डिफाइंड रोल, ठीक है। तो इसी तरह से जाहिर सी बात है रिक्वायरमेंट कौन लेगा, तो टेस्ट इंजीनियर रिक्वायरमेंट नहीं ले सकता है, वो कौन लेगा, वो रिक्वायरमेंट इंजीनियर लेगा। और उसकी क्या क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होनी चाहिए, तो वे भी हमें मालूम है कि उसकी क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। इसी तरह से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कौन करेगा, वो भी कोडर नहीं कर सकता, उसके लिए प्रोग्रामिंग की स्किल के अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की नॉलेज चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डिसिप्लिन की पता होना चाहिए। तो दैट हैज टू बी यू नो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। तो पहला स्टेप क्या है, रिक्वायरमेंट।